जय माँ का। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आए बहुत ही जो दिव्य मंदिर है, यहाँ का एक आश्रम है इनका, क्या आप देख सकते हैं सामने जो नाम है पायलट बाबा आश्रम। और दोस्तों ये जो आश्रम है ये दक्ष मंदिर से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ मंदिर के दर्शन जरूर करने आएँ आश्रम के। वैसे पायलट बाबा के काफ़ी आश्रम है दोस्तों यहाँ, और उनके जो जो फॉलोअर्स हैं वो मतलब भारत के भी हैं और बाहर देशों के भी, यूरोपीय देशों के काफ़ी फॉलोअर्स उनके हैं पायलट बाबा के। और मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ क्योंकि जो मेन रोड है जगजीतपुर में है, तो मेन रोड से करीब करीब 100 मीटर अंदर है दोस्तों, और मैं आपको अभी सामने दिखाऊंगा। ऐसे बाहर से आप पहले दर्शन कीजिए मंदिर के, और उसके बाद मैं आपको अंदर से लेकर चलूँगा। यहाँ पर जब आप अंदर चलेंगे दोस्तों तो अंदर आप चल कर देखेंगे कितना सुंदर और कितना भव्य है, और अंदर का दृश्य दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भगवान से और हमारे जो देशभक्त हैं उनसे सबसे इनकी जो एक मूर्ति रूप में उनको दिखाया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के बाहर के दर्शन, और फिर मैं आपको समय भी दिखाऊंगा कि किस समय से किस समय तक जो है मंदिर आप आश्रम में यहाँ पर आ सकते हैं, और ग्रीष्मकालीन जो समय होता है कब होता है, और जो सर्दियों का समय होता है कब होता है, वो सब आपको दिखाऊँगा। तो देखते आप जैसे आप दर्शन जो आते हैं तो आपको दो सिंह जो है विराट सिंह आपको दिखेंगे, भगवान नटराज की मूर्ति सामने दिखेगी। और मैं आपको अभी समय दिखा देता हूँ दोस्तों कि समय क्या होगा आश्रम में। समय जैसे आप देख सकते हैं गर्मियों के समय 7 से 6 बजे तक है, और जो शीतकाल का समय दोस्तों ये सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है। तो दोस्तों हम आश्रम के अंदर चलेंगे यहाँ पर, और फिर मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊँगा। जैसे कि आप यहीं से देख पा रहे हैं कितना भव्य यहाँ से आपको दर्शन हो रहा है, तो मैं आपको अभी अंदर की ओर लेकर चलूँगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपको जो है पायलट बाबा के दर्शन होंगे, उनके साथ में जो हाथी हैं गजराज हैं वो आपको विराजमान दिखेंगे। और पहले मैं आपको एक तरफ से पूरा का पूरा यहाँ से दिखाते चलूँगा दोस्तों, और सामने आपको गणपति जी महाराज दिखाई देंगे यहाँ पर, और गणपति जी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने नंदीश्वर महादेव जो कि महर्षि शिलाद के पुत्र हैं और भगवान भोलेनाथ के साक्षात रूप हैं। और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे आप देखते हैं कितना दिव्य घंटी यहाँ पर लगाई गई है, और भगवान भोलेनाथ का जो दिव्य शिवलिंग मैं आपको दर्शन कराऊंगा दिव्य शिवलिंग के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों दिव्य शिवलिंग, और भगवान भोलेनाथ की शांत मुद्रा में आप देख सकते हैं ये मूर्तिमान रूप गणपति भोलेनंदन गणेश जी, भगवान भोलेनाथ का दिव्य शिवलिंग। दोस्तों बहुत ही कम दर्शन हो पाते हैं इस तरह के शिवलिंग के, तो मैं आपको और आगे लेके चलूँगा दोस्तों। यहाँ से जब हम मंदिर से बाहर आते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के मंदिर से, तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको एक की 2 या 3 वीडियो में दिखा पाऊँगा कम से कम। उसके बाद में दोस्तों दूसरा मंदिर जो भगवान भोलेनाथ का है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन में कराऊँगा यहाँ पर। और इस तरह का शिवलिंग दोस्तों आपने पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। हर महादेव, इस तरह का शिवलिंग दोस्तों आपने पहले शायद कभी ना देखा हो, क्योंकि विलक्षण शिवलिंग दिव्य शिवलिंग है ये सब। जैसे कि इस तरह के शिवलिंग हमारे पशुपतिनाथ जी में हैं,